दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, लेकिन इन सब की गति की एक सीमा है। इसके कारण इनके नतीजे प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। परंतु नासा ने वार्प ड्राइव नामक एक ऐसी इंजन तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष यान महज 4 घंटे में चांद पर और 70 दिनों में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना और वहां के बारे में जानना पुराने समय से ही इंसान के लिए एक गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है। चांद के करीब होने के कारण उसके दर्शन तो हम रोज करते हैं, लेकिन चांद पर जाना 1 सदी पहले कल्पना ही था। इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन का आरंभ किया और 2 जनवरी 1959 में ल्यूना 1 नामक पहला यान लॉन्च किया। हालांकि यह कहीं रास्ते में भटक गया और सूर्य की कक्षा में चला गया, लेकिन इसके 9 महीने बाद ही ल्यूना 2 इस मकसद में कामयाब रहा था। इस यान ने 12 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर उतरने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद अमेरिका ने भी इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से अपोलो 8 और अपोलो 10 को बिना इंसान के चांद की कक्षा में भेजा गया ताकि वे तस्वीरें भेज सके। उसके बाद मानव युक्त विमान भेजने की शुरुआत हुई और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने पहली बार मनुष्य को चांद की धरती पर पहुंचाया। इसके बाद कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजने शुरू किए। हालांकि अब तक जितने यान वहां गए उन्हें वहां पहुंचने में काफी समय लगा, लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने एक ऐसा वार्प ड्राइव इंजन विकसित किया है जिसके जरिए न केवल चांद पर यात्रियों को ले जाया जा सकता है बल्कि महज 4 घंटे में आपको वहां पहुंचा सकता है। चांद की हमारी पृथ्वी से दूरी लगभग 384,400 किलोमीटर है और नासा इतनी दूरी को सिर्फ 4 घंटे में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। नासा के हाथ एक क्रांतिकारी पावर सोर्स लगा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके दम पर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 घंटे में ही चांद पर पहुंच सकते हैं। अभी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने में 3 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा जब मंगल ग्रह भी धरती के पास होता है तो वहां पहुंचने में 7 महीने का समय लग जाता है, लेकिन नासा की इस खोज से मात्र 70 दिन में मंगल तक पहुंचा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम इतना छोटा है कि इसे सूटकेस में बंद किया जा सकता है और ये सदियों तक उड़ता रह सकता है। नासा ने ये जो खोज की है उसका नाम है ईएम ड्राइव। ईएम ड्राइव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव। ईएम ड्राइव को शुरू में ब्रिटेन के वैज्ञानिक रोजर शॉयर ने बनाया था, लेकिन ये विज्ञान के सिद्धांतों के एकदम विपरीत था, इसलिए इसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है जो कहता है कि एक तरफ से दबाव डालने पर वस्तु विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन ईएम ड्राइव में तो कोई प्रोपेलेंट ही नहीं होता। यह सिस्टम छोटे सोलर पैनल या नन्हे से ऑनबोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। शॉयर ने दावा किया कि ईएम ड्राइव सिस्टम तैयार हो जाने पर न तो हवाई जहाज में देने की जरूरत होगी और न ही गाड़ी में पहिए की। यह माइक्रोवेव री इंजीनियरिंग है और भौतिकी के हर सिद्धांत का पालन करती है। 1870 में मैक्सवेल ने भी यही साबित किया था कि प्रकाश जिस भी सतह पर पड़ता है उस पर दबाव डालता है। शॉयर कहते हैं कि हालांकि यह दबाव बहुत ही कम होता है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। ईएम ड्राइव में भी उन्होंने यही किया है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कहा कि उन्होंने ईएम ड्राइव सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक ऐसी डिवाइस है जो वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, जिसमें प्रकाश की गति से भी
ज्यादा तेजी से ट्रैवल करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस क्रांतिकारी आविष्कार से इंसान प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएगा। हालांकि अभी इस तकनीकी का केवल परीक्षण ही किया गया है, लेकिन भविष्य में इसके माध्यम से न केवल हमारी आकाशगंगा में मौजूद ग्रहों बल्कि इसके अलावा भी अन्य ग्रहों पर भी अंतरिक्ष यान को भेजने में सफलता मिल सकती है। हालांकि इस परीक्षण की वैधता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो ईएम ड्राइव ने क्लासिकल फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अलग व्यवहार दर्शाया है। दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक किसी सिस्टम पर यदि कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता तो उसकी गति स्थिर बनी रहती है। यही कारण है कि रॉकेट को लॉन्च करते समय प्रोपेलेंट का सहारा लिया जाता है। पिछले कई दशकों के दौरान अमेरिका, यूके और चीन के शोधकर्ताओं ने ईएम ड्राइव का टेस्ट किया है, लेकिन इसके नतीजे काफी विवादित रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर कोई भी यह तय नहीं कर पाया है कि आखिरकार ये सिस्टम काम किस तरीके से करता है। लेकिन नासा spaceflight.com के मुताबिक नासा ने ईएम ड्राइव का निर्माण करने में सफलता पाई है। वहीं कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस योजना के संबंध में चर्चा करने वालों में ज्यादातर नासा के ही इंजीनियर शामिल हैं। इस कारण नासा की ये योजना विवादों में रही है। हालांकि इस तकनीकी पर विवाद उठने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस ईएम ड्राइव तकनीकी की नासा सफल परीक्षण की बात कर रहा है वो वार्प ड्राइव पर आधारित है। वार्प ड्राइव हकीकत में एक काल्पनिक इंजन है जिसके जरिए किसी भी यान को प्रकाश से तेज गति पर चलाया जा सकता है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत किसी भी वस्तु को साधारण स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से तेज जाने की अनुमति नहीं देता। वार्प शब्द का मतलब मरोड़ होता है, और काल्पनिक वार्प इंजन में स्पेस टाइम को मरोड़ने का विचार रखा जाता है। इस मरोड़े हुए स्पेस टाइम में यान प्रकाश की गति से कम भी चले तो भी जहाँ तक साधारण स्पेस टाइम का प्रश्न है, उसके अनुसार वह प्रकाश की गति से कहीं तेज गति से चल सकता है। वार्प इंजन की अवधारणा को बहुत सी विज्ञान कहानियों, उपन्यासों और फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। इनमें स्टार वार्स, स्टार ट्रैक और इंटरस्टेलर शामिल है। वास्तविक भौतिकी में भी कुछ आल्कूवियर इंजन जैसे प्रस्ताव हैं, जिनमें स्पेस टाइम को मरोड़ कर प्रकाश की गति से तेज जाने के बारे में सोचा गया है। हालांकि विज्ञान के वर्तमान स्तर पर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि नासा इस तरह का सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता। इस बात को समझने के लिए हम एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। विज्ञान की कहानियों के जनक समझे जाने वाले जूल्स वर्न ने अपनी एक कहानी पृथ्वी से चंद्रमा तक में आज से करीब 150 शताब्दी पहले जो कल्पना की थी, आगे चलकर वह सच के बेहद करीब पाई गई। उस समय हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कहानी में लिखे गए तथ्य करीब 100 साल बाद चांद की ओर छोड़े गए अपोलो 8 नामक अंतरिक्ष यान से बहुत मिलते जुलते थे। जूल्स वर्न की कहानी में अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा से छोड़े जाने का जिक्र किया गया है, जबकि वास्तव में अपोलो 8 नामक अंतरिक्ष यान को वर्ष 1968 में अमेरिका से ही छोड़ा गया। इस कहानी के यान और अपोलो 8 की ऊंचाई भी बराबर यानी 3.6 मीटर थी। कहानी के यान का भार 5540 किलोग्राम और अपोलो 8 का भार 5568 किलोग्राम था। जूल्स की लिखी गई कहानी के अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से चांद तक 382,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, तो अपोलो 8 ने चांद तक पहुंचने में करीब 360,000 किलोमीटर की यात्रा की। दरअसल ग्रहों के घूमते रहने के कारण एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी में अंतर आ जाता है। जूल्स वर्न ने अपनी कहानी में दर्शाया है कि चांद पर न हवा है और न ही जीवन, वहां चट्टाने और गड्ढे हैं। और वर्ष 1969 में चांद पर उतरने वाले यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने भी यही बताया। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोपल्शन ड्राइव यानी ईएम ड्राइव का उपयोग कई कार्यों जैसे चंद्रमा और मंगल समेत आउटर सोलर सिस्टम में भेजे जाने वाले मिशनों और तारों की यात्रा के लिए भेजे जाने वाले मल्टी जेनरेशन स्पेसशिप के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक इस तकनीकी के प्रोपेलेंट रहित प्रोपल्शन की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खपत होने वाली ईंधन की मात्रा में बेहद कमी लाई जा सकती है। इससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ढांचे पर मौजूदा बोझ में कमी लाई जाएगी और इस तरह से भविष्य में इस स्टेशन की कार्य क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से ईएम ड्राइव टेक्नोलॉजी को पृथ्वी के आसपास चक्कर काटने वाले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें उसके इंजन को ईएम ड्राइव से बदला जा सकता है जिससे पहले के मुकाबले कम थ्रस्ट की जरूरत होगी और इससे लॉन्च भार को 3 टन से घटाकर 1.3 टन किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा जहां इसके सोलर उपकरणों और एंटीना को लगाया जा सकता है। तब ईएम ड्राइव जोर से धकेलते हुए महज 36 दिनों में इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेज पाएगा। इस तरह यान अपने साथ 2 से 6 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आधारित ईंधन का इस्तेमाल करते हुए महज 4 घंटों में पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाएगा। अन्य ग्रहों पर अंतरिक्षयान भेजने के मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल मिशन के लिए भविष्य में इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस डिजाइन से बनाई गई यान से मंगल तक महज 70 दिनों में पहुंचा जा सकता है। ईएम ड्राइव इंजन का कॉन्सेप्ट न केवल अन्य इंजनों की तुलना में सरल है बल्कि इसकी कामयाबी एक असंभव को संभव बनाने जैसी होगी क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।